यमायम पक्षाचे नेते सोलापूर जिल्ह्याचे निरीक्षक अन्वर सादात यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रभाग क्रमांक 16 येथे विविध कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. प्रभाग क्रमांक 16 चे नगरसेवक गाजी जहागीरदार यांच्या 18 लाखाच्या भांडवली कामाच्या निधीतून जगदंबा चौथे यादव यांचे घर, जलील कुरेशी रोटे कॉम्प्लेक्स आणि लष्कर आदी भागात सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ यमायम पक्षाचे नेते सोलापूर जिल्ह्याचे निरीक्षक अन्वर सादात, यमायम पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष फारुख शाब्दी, नगरसेवक गाजी जहागीरदार, डॉक्टर मनीष गाडवे, भारत पडळकर, कमो शेख आदी मान्यवरांच्या उपस्थित करण्यात आला. नगरसेवक गाजी जहागीरदार यांनी आपल्या प्रभागात लोकांच्या गरजेप्रमाणे कामं केली आहेत. यापुढील काळात देखील नागरिकांनी अशीच साथ यमायम पक्षाच्या बाजूने असावी अशी अपेक्षा यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केली. छोटे भाई गाजी जहागीरदार, इनके प्रयत्नों से, इनकी कोशिश से और इनकी निधि में से आज यहाँ पर पलटन मस्जिद, कुरेशी गली और जगदम्बा चौक, ये जो तीन रास्ते हैं, इनका कॉन्क्रीट रोड बनाने का जो काम इनकी निधि में से 18 लाख का टोटल बजट है वो किया जा रहा है. तो इसके मौके पर, इस खास मौके पर जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हैदराबाद से हमारे सोलापुर शहर व जिले के निरीक्षक जनाब अनवर सादात साहब, हमारी पूरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम और यहाँ पर जमा इस एरिया के तमाम जितनी भी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हम लोगों को आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं देने के लिए और पूरे तमाम युवा जो मेरे दोस्त हैं वो सब यहाँ पर आए, मैं सबका दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे काजी है या जो भी जिम्मेदार है मजलिस के, आप लोग टच करिए, मगर मजलिस को मत छोड़िए, मजलिस का हाथ थामे रहिए. और जो लोग हमारे से नाराज है मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या मुद्दा लेके चल रही है, सबको एक हमारे दलित भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, पूरों को मिला के चल के एक एक ताकत बनाने की कोशिश कर रही है. फिरका परस जो ताकतें आज कोशिश कर रहे हैं हमें अलग करने की, उसको सही कर कर तोड़ कर उसे एक मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है असदुद्दीन अवैसी साहब की कोशिश है. तो आप लोगों से मेरे ख़ास तौर पे नौजवानों से गुजारिश है, आप लोग इधर उधर मत रहिए, फारूक साबदी साहब के साथ रहिए, इंशाल्लाह हमारी कामयाबी पक्की है आने वाले कॉर्पोरेट इलेक्शन में भी और इंशाल्लाह फारूक साबदी साहब को आने वाले एमएलए इलेक्शन. यावेळी यमायम पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, प्रभाग क्रमांक 16 मधील स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.